स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अंततः लोक शिक्षण संचालनालय ने तो नहीं बल्कि आदिम जाति कल्याण विभाग ने द्वितीय काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 26 और 27 तारीख से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और बात की जा रही है कि 3000 पद जो खाली रह गए हैं उनको द्वितीय काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस प्रकार की जो स्थिति है कि पद वृद्धि की बात की जा रही थी, अभी तक किसी प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं आया है, लेकिन अभी भी संभावना है और यदि प्रयास किए जाएं तो 26 की स्थिति तक पदों में वृद्धि के साथ नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों कितना प्रयास किया जा रहा है रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा लगातार पद वृद्धि के लिए, द्वितीय काउंसलिंग में पद वृद्धि हो और अधिक से अधिक कैंडिडेट्स शिक्षक बन सकें, उनको मौका मिल सके। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं छोटी सी झलकी, फिर हम बात करेंगे कि आखिर इस आंदोलन की कितनी तीव्रता रही, क्या प्रभाव रहा, किस प्रकार से पदों की वृद्धि के साथ में भी आदिम जाति कल्याण विभाग जारी कर सकता है नोटिफिकेशन, क्योंकि अभी भी एक दो दिन हमारे पास। तो दोस्तों ये वीडियो देखा आपने और ये आप पिक्स देख पा रहे हैं कि रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा जनजाति कार्य विभाग मंत्री के बगले के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनजाति कार्य विभाग के स्कूलों में सेकेंड राउंड में शिक्षकों की भर्ती 26 और 27 तारीख से प्रारंभ की जा रही है, वर्ग 1 और 2 में क्रमशः। चलिए अब बात कर लेते हैं ज्ञापन पत्र की कि कहां कहां ज्ञापन दिया गया, किस किस परिस्थिति में दिया गया। तो जनजाति कार्य विभाग मंत्री को ज्ञापन सौंपकर स्थायी शिक्षकों के रिक्त पदों में वृद्धि की मांग की गई। तो मंगलवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने जनजातीय कार्य मंत्री श्रीमती मीना सिंह जी के बंगले का घेराव कर स्थायी शिक्षकों के रिक्त पदों में वृद्धि के साथ शिक्षक भर्ती 2018 को न्याय संगत पद वितरण के साथ पूर्ण कराने की मांग की। शिक्षक पात्रता परीक्षा संघ के प्रदेश संयोजक रंजीत गौर सहित अन्य अभ्यर्थियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में 10 वर्ष बाद हो रही शिक्षक भर्ती में नाम मात्र के पद आए हैं, जबकि पदों की संख्या का यदि डिक्लेरेशन बार बार हुआ है तो वो संख्या निकली है 87,630 और जिसमें से जनजातीय क्षेत्रों के 40% स्कूलों में स्थायी शिक्षक नहीं है, जहाँ पर अतिथि शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है। तो दोस्तों हालांकि नारेबाजी हो रही थी, पुलिस प्रशासन ने उनको रोका, फिर उसके बाद में शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन पत्र दिया गया आयुक्त के नाम पर। और ज्ञात हो कि जनजाति विभाग द्वारा 26 अगस्त से द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, लेकिन दोस्तों पद वृद्धि का अभी कोई यहां पर जिक्र नहीं है, लेकिन प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से पद वृद्धि के साथ में नोटिस जारी किया जा सकता है, रोस्टर जारी किया जा सकता है। थोड़ा सा और आगे जानेंगे, नवभारत लिखता है कि राजधानी भोपाल में मंगलवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह जी के बंगले पर प्रदर्शन किया और स्थायी शिक्षकों के रिक्त पदों में वृद्धि के साथ शिक्षक भर्ती 2018 को न्याय संगत पद वितरण के साथ पूर्ण कराने की मांग की। और ये पिक्स में आप देख पा रहे हैं, रंजीत गौर जी बैनर्स के साथ में हैं और पूरी टीम खड़ी हुई है और हाईलाइट किया गया है कि प्रदेश में 87,630 यानी कि 87,630 पद खाली हैं और जहां पर द्वितीय काउंसलिंग की घोषणा कर दी गई है। और पूर्व के पेपर्स में भी हमने देखा, न्यूज़ पेपर में देखा, समाचार पत्रों में देखा कि 3000 जो रिक्त पद रह गए हैं उन पर ही भर्ती करने की बात की जा रही है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि जनजातीय विभाग में भी हजारों की संख्या में पद रिक्त हैं और काफ़ी कुछ ये प्रसारित भी किया गया था पूर्व में। और बात की जा रही है कि अब जो प्रतीक्षा सूची है उसमें 4 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए, ऐसी भी मांग स्थायी शिक्षकों के रिक्त पदों में वृद्धि के साथ रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा की जा रही है। तो आप देखें दोस्तों इसमें है मुख्य पॉइंट, आप देख लें कि मध्य प्रदेश में 10 वर्ष बाद हो रही शिक्षक भर्ती के नाम मात्र पद घोषित किए गए हैं और जैसा मैंने बताया कि 87,630 पद रिक्त हैं। वहीं पर आगे प्रदर्शन करते हुए जनजाति मंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया, साथ में सतपुड़ा भवन पहुंचकर आयोग के नाम भी ज्ञापन पत्र सौंपा गया। और ज्ञात हो कि जनजाति विभाग द्वारा 26 अगस्त से द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल जनजातीय विभाग में ही ये आंदोलन चल रहा है,
बल्कि डीपीआई से भी आश्वासन लिया जा चुका है और उनका आश्वासन है कि 8000 पदों पर वृद्धि की जाएगी। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि 14000 पदों पर वृद्धि की जाएगी। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये वृद्धि जनजातीय कार्य विभाग में भी होना चाहिए। डीपीआई निश्चित रूप से बहुत अधिक संख्या में पदों में वृद्धि जरूर करेगा। हालांकि उन्होंने अभी द्वितीय काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया है, वह पद वृद्धि के साथ में बहुत जल्द जारी किया जाएगा। इस स्थिति को यदि देखें तो जनजाति विभाग एक कदम आगे बढ़कर के कार्य कर रहा है। वर्ग तीन की दोस्तों यदि हम बात करें तो वर्ग तीन में भी जल्द से जल्द रोस्टर जारी कर दिया जाएगा और वहां पर पदों की संख्या 51000 करने की मांग की जा रही है। अभी 51000 होती है या नहीं होती है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव गवर्नमेंट पर इसका जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आप देखते हैं कि 26 तारीख को इन आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि पदों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो निश्चित रूप से दोस्तों लाखों अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलेगा। और जिस प्रकार से कहा गया है, आप पेपर में कटिंग के माध्यम से देख रहे हैं कि प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट में भी 4 गुना अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग है, जिससे कि बार बार काउंसलिंग न कराई जाए और जो भी रिक्त पद आए, बड़े हुए पद आए, उन पर इन्हीं वेटिंग के अभ्यर्थियों से नियुक्ति कर ली जाए और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों अब देखते हैं कि डीपीआई आगे क्या करता है, किस प्रकार से जनजातीय कार्य विभाग पदों की संख्या में वृद्धि करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।